Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. My name is Manisha और आज मैं आपको electric charges and field का third part करवाने वाली हूँ. इससे पहले मैंने इसके दो parts करवा दिए हैं जिसका link आपको description में मिल जाएगा. आज हम इसका third part करेंगे. Okay. So आज की जो वीडियो है इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज चार्जिंग मेथड. चार्जिंग मेथड ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. चार्जिंग मेथड में हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं. सबसे पहला जो है वो है बॉबिंग. रबिंग और फ्रिक्शन यू कैन से. सेकेंड जो मेथड है वो है टचिंग. ठीक है. एंड जो थर्ड मेथड है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. ये जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसमें जैसे कि चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक से आया है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इंडक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है. ठीक है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है तो ये दोनों ही पढ़ने. ये दोनों भी हैं लेकिन ये थोड़ा सा अलग वे में है. इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये बहुत ही बेसिक मेथड्स है. सबसे पहला मेथड जो है वो है रबिंग और फ्रिक्शन. इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं कि चार्जिंग होता क्या है, क्या मतलब क्या है इसमें चार्जिंग मेथड से. सो जब भी हम चार्जिंग मेथड की बात करते हैं तो हमारे पास दो बॉडीज होती हैं. एक होती है चार्ज एंड सेकेंड वन इज अनचार्ज. ठीक है. जो चार्ज बॉडी है उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और या नेगेटिव हो सकता है. इट मीन्स कि दोनों में से एक चार्ज हमारी इस बॉडी पे मिलेगा. जो चार्ज बॉडी होगी या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी या फिर वो नेगेटिवली चार्ज होगी. बट वहीं जो अनचार्ज बॉडी है उसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ये दोनों चार्जेस इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो दोनों क्या होंगे, इक्वल में प्रेजेंट होंगे. बट इसमें जो ये इक्वल में चार्जेस प्रेजेंट है इसको यू कैन से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सपोज एज आई टोल्ड यू कि आपके पास में दोनों चार्जेस एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, जो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को शो करता है. तो अगर हमें इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना हो, सपोज इसे अगर आप चार्ज करेंगे तो आप कैसे का चार्ज करेंगे. ये जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, मतलब कि एक बॉडी है जैसे ये बॉडी मैंने ले ली. ठीक है. इसमें पॉजिटिव चार्ज है इधर और इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस दोनों में प्रेजेंट है. तो जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, मतलब कि जो ये इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, इसको अगर आप डिस्टर्ब कर देते हैं तो जो एक अनचार्ज बॉडी है वो क्या हो जाएगी, चार्ज. ठीक है. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करने का मतलब ये है कि जो हमारे पास पॉजिटिव है और जो हमारे पास नेगेटिव है, दोनों में से एक भी चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो वो दूसरा वाला चार्ज, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो गायब हो जाएंगे. गायब कैसे होंगे, कहाँ जाएंगे, ये अभी मैं आपको मेथड्स में समझाने वाली हूँ. सो एक चार्ज बॉडी होती है, एक अनचार्ज बॉडी है. अगर चार्ज बॉडी है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी है. वहीं अनचार्ज बॉडी में या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है. इसके अलावा इन मेथड्स को समझने के लिए एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए, ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन थी. सेकेंड जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए मेथड्स को समझने के लिए वो ये कि अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं और एक सिचुएशन आती है इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन्स में गेन हो रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स गेन का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और अगर लूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. इट मीन्स कि अगर कोई भी बॉडी है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते जा रहे हैं तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव. और वहीं अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो बॉडी में जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ता जाएगा. तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, इनके बेसिस पे आप इन तीनों मेथड्स को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आवर फर्स्ट मेथड इज रबिंग और फ्रिक्शन, यू कैन से. ठीक है.
रबिंग मेथड में क्या होता है कि किसी भी बॉडी को कांटेक्ट में लाके रब करवा के हम बॉडी को अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल में मैंने आपको जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप समझ सकते हैं कि मैंने कैसे दो बॉडीज को चार्ज करा था। मतलब उसमें मैंने आपको ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें ग्लास रॉड को सिल्क रोड से रब करके पॉजिटिवली चार्ज किया गया था, और प्लास्टिक रॉड को लेके बोलिया फिर फर से रब करके। तो ये आप उसमें से समझ सकते हैं। उसके अलावा रबिंग में सिर्फ इतना ही है कि आप जो बॉडी है अनचार्ज बॉडी है उसको आप रब करके या बाय कॉन्टेक्ट इसको आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब जो सेकेंड मेथड है टचिंग मेथड। टचिंग में क्या है, जैसे सपोज दो बॉडीज है हमारे पास, ठीक है। एज आई टोल्ड यू जो ये बॉडीज हैं इसमें से एक बॉडी जो है वो पूरी चार्ज होगी, क्योंकि चार्जिंग मेथड में हमारे पास क्या होता है एक बॉडी चार्ज होती है और एक अनचार्ज होती है। तो ये पूरी पॉजिटिवली चार्ज है, आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, चार्ज कोई भी ले सकते हैं, बट पूरी बॉडी एक चार्ज में होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी जो बॉडी है ये क्या है, अनचार्ज बॉडी है। अब इसमें पॉजिटिव भी होगा, ठीक है, और नेगेटिव भी होगा। जो हमारी फर्स्ट बॉडी है ये ए है, ये बी है। जो ए बॉडी है ये पूरी तरीके से चार्ज है और ये वाली अनचार्ज है, मतलब कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं। इसके बाद में हम जो प्रोसेस करते हैं इसमें क्या है, जैसे कि सपोज जो इंडक्शन जो टचिंग मेथड है इसमें क्या है, टच नाम से क्लियर हो रहा होगा कि आप इसको किस में ला रहे हैं, कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं, दोनों को आपस में टच करवा रहे हैं। जब हम इसको आपस में टच करवाएंगे तो जो चार्ज ज्यादा है, जो हमारी ये चार्ज बॉडी है इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब ये इसके टच में आती है, इसके कॉन्टैक्ट में आती है, तो उस टाइम पे जो नेगेटिवली चार्ज है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करता है। जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया, अगर हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर दें, मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी है, तो जो अमाउंट का चार्ज चाहे आप पॉजिटिव चाहे नेगेटिव इसके पास में लेकर आएंगे, ये बॉडी उसी अकॉर्डिंग चार्ज हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने जब मैं ये पॉजिटिव चार्ज जो बॉडी है इसको जब मैं इस अनचार्ज बॉडी के पास लेकर आई, तो उस टाइम पे क्या हुआ, ये जो नेगेटिवली चार्ज था ना, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इससे डिस्टर्ब हो गई। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होने से हुआ क्या कि ये जो बॉडीज हैं, ये दोनों बॉडीज हैं, ठीक है, ये दोनों बॉडीज पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। स्टिल कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। ये आपकी बॉडी ए है, ये बी है, और ये दोनों चार्ज हो गई है, ठीक है। ये हमारे पास अब इसमें क्या हो गया, ये जो चार्ज है ना ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऑल ओवर द बॉडी। आई होप दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे, रबिंग मेथड और टचिंग मेथड। अब इसके बाद में जो थर्ड मेथड है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एज आई टोल्ड यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, जो हमारे पास थर्ड मेथड है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस मेथड में होता क्या है, सबसे पहली चीज तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है ये एक टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन का फिनोमिना है कंडक्टर्स में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जैसे सपोज आपके पास में एक चार्ज बॉन्ड है, ठीक है, एक कंडक्टिंग बॉन्ड है जिसको ए बी मैंने बोला, इसे एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे प्लेस किया, ठीक है। ये जो इंसुलेटिंग स्टैंड है इसके पास में एक रॉड लेकर आते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है इसकी वजह से जो इसका नियर बाय एंड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में होता क्या है, आपने एक कंडक्टिंग रॉड ली ए बी, ठीक है, इंसुलेटिंग स्टैंड था यहाँ पे, ये जो रॉड मैं इसके पास में लेकर आई हूँ इसके अकॉर्डिंग अगर ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पे जो इसका नियर बाय एंड होगा वहां पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव, मींस कि इस रॉड से ऑपोजिट। अगर रॉड नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके अलावा जो सेकेंड साइड है वहां पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसको समझने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तो ये कि जो रॉड पे चार्ज होगा उसका बिल्कुल ऑपोजिट चार्ज फर्स्ट एंड पे आएगा, और या फिर जो रॉड वाला चार्ज होगा वो उसके फार एंड पे, जो उस रॉड से डिस्टेंस पे होगा उस वाले एंड पे जाएगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है। इट इज अ फिनोमिना ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर इन विच
यू कैन सी इन डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है, ये आपकी कंडक्टिंग रॉड है ए बी, यहाँ पे जो ये है जो नेगेटिवली चार्ज है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, और जो पॉजिटिवली चार्ज है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। इसके बाद में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है इसमें हमारे पास दो तरीके से बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं, या मैं दो एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। सपोज कि अगर आपके पास में दो बॉडीज आती है, ठीक है, अब जो टॉपिक है वो है चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स, चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स बाय इंडक्शन। अगर आपको इंडक्शन की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई तो ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे फाइव डायग्राम्स बना रखे हैं, ए बी सी डी एंड ई। इसमें जो ये आपको दे रखा है ऊपर ये स्फीयर है, ठीक है, मेटालिक स्फीयर है, और ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। ये फर्स्ट डायग्राम है जिसमें आपको दो मेटालिक स्फीयर और एक इंसुलेटिंग स्टैंड दे रखा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक ग्लास रॉड लेकर आते हैं मेटालिक स्फीयर के पास में। ये जो ग्लास रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसकी वजह से अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो हमारा प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ग्लास रॉड पे चार्ज है उसका ऑपोजिट चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और इसका ऑपोजिट यहाँ पर ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। जो मेटालिक स्फीयर दूर है उसमें जो चार्ज होगा इसके एग्जैक्ट सेम होगा, और जो पास में होगा इसके ऑपोजिट चार्ज होगा। अब जो नेक्स्ट डायग्राम है इसमें क्या किया मैंने, सेम ग्लास रॉड लेकर आए इसके पास में जो पॉजिटिवली चार्ज है, बट यहाँ पे जो ये स्फीयर्स हैं मेटालिक स्फीयर्स इनके बीच में गैप है, ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल पास में इनके बीच में यहाँ पे गैप है। अब ये इसकी वजह से जो ये ग्लास रॉड है इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा और यहाँ पर पॉजिटिव रह जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे जो ग्लास रॉड है जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव है और इसका ऑपोजिट वहां पॉजिटिव है, तो हमने क्या किया, ये जो ग्लास रॉड है आप इसको यहाँ से हटा दिया, तो ग्लास रॉड जैसे ही हट जाएगी तो जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है इन दोनों मेटालिक स्फीयर्स में ये एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएगा। मीन्स कि ये जो चार्ज यहाँ है ये चार्ज हटके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव चार्ज आ चुका है यहाँ पे और इधर की साइड पॉजिटिव। तो अब जो ये मेटालिक स्फीयर्स हैं ये इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देखिए जैसे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और इनके बीच में भी सेम गैप है जितना आपने यहाँ पे रखा था। इसके बाद में जो लास्ट पोर्शन है इसमें क्या आप कंक्लूजन आपको क्या मिला कि जो ग्लास रॉड जब हम हटा देते हैं तो उस टाइम पे जो इनमें चार्जेस होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑल ओवर द मेटालिक स्फीयर, ठीक है। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन था, ठीक है। अगर आपके पास दो स्फीयर्स दे रखे हैं, जब आपके पास में दो मेटालिक स्फीयर है तो उसमें आप इंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज करेंगे, तो ये था आपके टोटल फाइव डायग्राम्स हैं। इसमें आप इसको ड्रॉ कर लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आपको एनसीईआरटी में गिवन है वहां से ये देख सकते हैं। अभी सिर्फ समझने वाली चीज ये है कि यहाँ पे जो ये चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद में सपोज यहाँ पे जो चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स है इसकी जगह अगर सिर्फ चार्जिंग ऑफ स्फीयर्स हो, मतलब कि सिर्फ एक मेटालिक स्फीयर आपको गिवन हो, तो आप कैसे करें। अब है चार्जिंग ऑफ स्फीयर्स बाय इंडक्शन, ठीक है, यहाँ स्फीयर्स नहीं होगा, यहाँ स्फीयर है, सिंगल स्फीयर हो तो कैसे करेंगे। हमने एक डायग्राम बनाया से, ये मेटालिक स्फीयर है इंसुलेटिंग स्टैंड पे, और एक अब जो ये ऊपर वाला ये मेटालिक स्फीयर और ये इंसुलेटिंग स्टैंड अभी बता चुकी हूं मैं ये चीज। अब इसमें देखिए आपने क्या किया, यहां पे एक रॉड लेकर आए जो कि प्लास्टिक रॉड है, ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। ऑब्वियसली हम इसमें क्या कर रहे हैं, स्फीयर है, एक सिंगल स्फीयर है, तो एज आई टोल्ड यू कि जो एक चार्ज बॉडी होती है एक अनचार्ज बॉडी होती है, जब हमारे पास अनचार्ज बॉडी होती है तो उस पर दोनों चार्ज इक्वली होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ये हमारी नेगेटिवली चार्ज रॉड है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है और इस मेटालिक स्फीयर में नेगेटिव चार्ज भी है। नेगेटिव रॉड की वजह से यहाँ पे जो चार्ज है, नेगेटिव रॉड है ये,
ठीक है, प्लास्टिक रॉड है जो नेगेटिवली चार्ज है, इसकी वजह से जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पे क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बंधा हुआ है। ठीक है, अब इसको जो मैंने ग्राउंडिंग करी यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे है, अगर इसको मैंने ग्राउंड कर दिया तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये ग्राउंड में चले जाएंगे। ग्राउंडिंग क्या प्रोसेस है, क्यों करा जाता है, क्या इसका सेफ्टी पर्पस है, कैसे इसका यूज किया जाता है, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे जब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, तो आपको बहुत सारे से छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज उस वीडियो को भी देखिएगा। नाउ अब ये सेकेंड डायग्राम, ये ए पार्ट हो गया आपका, ये बी पार्ट है। नाउ सी पार्ट में देखिए, अब ये जो प्लास्टिक रॉड है इसको अगर आप हटा देते हैं, प्लास्टिक रॉड हटाने से जो ये पॉजिटिवली चार्ज था, ये जो पहले पॉजिटिव चार्ज इधर था, अब वो इधर की साइड जा सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग ये जो प्रोसेस है, जैसे आपने सेम फर्स्ट में किया था बिल्कुल वैसा ही है इसमें। अब यहाँ पे जो नेगेटिव जो रॉड हटा दी है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो ऑल ओवर द मेटालिक स्फीयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या है, जो हमारे पास जो स्फीयर, जब हमने दो मेटालिक स्फीयर्स लिए थे, तो चार्जेस उसका अकॉर्डिंग आएंगे कि आप रॉड कौन सी ले रहे हैं, आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले रहे हैं ग्लास रॉड, या फिर नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड ले रहे हैं। अगर आप इस तरीके से करते हैं कि जब आपको सिर्फ एक स्फीयर को बाय इंडक्शन चार्ज करना है, तो उस टाइम पे भी आपका रॉड के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे जो आपका आया मेटालिक स्फीयर, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।